तो ये एक फोन की मतलब अनबॉक्सिंग है, और Redmi Note 11T 5G इतना लंबा नाम है, वो कल लॉन्च हो गया, किसी को मिला होगा तो बताना, ऐसे तो मिला नहीं। ये उसी का भाई है और इससे कंपैरिजन भी करेंगे क्योंकि 5G वगैरह का सीन क्या है, 5G सब ले रहे हैं या नहीं, एक साल में जो फोन चेंज कर रहा है उसके लिए कोई सेंस बनता है या नहीं, 4G के प्लान इतने महंगे हो गए। और हाँ, प्राइम जो है अमेजोन प्राइम, इसके रेट्स बढ़ हैं, तो जिसको लेना है वो अभी ले लो अगर लेना है तो, और वो फ्यूचर में उसको यूज करेगा। और स्टूडेंट ऑफर भी बहुत मस्त चल रहा है जो हमेशा चलता है, तो वो ग्रैब कर सकते हो 500 में। मुझे नहीं लगता कि 500 तो वसूल हो ही जाते हैं, क्योंकि अगर आप उतनी वीडियोस वगैरह ही देखते हो, सीरीज वगैरह सही आती है, और जब आप बात समझ रहे हो ना। और हाँ, दो लोगों को थैंक यू करना था, एस मैटी और विक्रम, वो लोग रेफरल लिंक्स यूज कर रहे हैं तो वन कार्ड के लिए और क्रेडिट के लिए, तो एक तरह से मेरी YouTube की फर्स्ट अर्निंग भी हो गई क्योंकि डायरेक्ट कैशबैक ही मिला है ना। तो आ जाते हैं फोन की तरफ। ये है Redmi का 10 Prime, किस कलर में, क्या डिटेल्स हैं, सब कुछ देखते हैं। और Note 11 T5G से बहुत ज्यादा डिफरेंट नहीं है, ठीक है। ये ICICI बैंक डिस्काउंट्स मिल रहे हैं, प्राइस वगैरह की जल्दी से बात कर लेते हैं कि बिल कहीं पे है, ठीक है। बिल तो चिपका हुआ है, निकल नहीं रहा है, लेकिन 12499 का ये था, और ICICI के कार्ड्स पे, ICICI के क्रेडिट कार्ड पे फ्लैट 1000 ऑफ था, और FD वाले पे भी क्योंकि मेरा FD का ही कार्ड है, और इस पे भी डेबिट कार्ड्स पे भी। तो आप जरूर चेक किया करो, ये सारे ऑफर बीच बीच में चलते रहते हैं। और सील तो कट कर लिया, पहले बॉक्स की डिटेल्स देख लो। 90Hz फुल HD प्लस अडेप्टिव सिंक डॉट डिस्प्ले, कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास की प्रोटेक्शन है, कौन सा नंबर मेंशन नहीं है। और ये LCD डिस्प्ले AMOLED होता तो ये लोग इतने बड़े बड़े लिख देते। 50 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा है, तो अगर आप उस ट्रेंड में जा रहे हो हाई मेगापिक्सल 48 के बाद क्या, तो ये 50 सुनने में अच्छा लगता है, राउंडेड ऑफ टाइप। MediaTek Helio G88 प्रोसेसर, और MediaTek ने बहुत अच्छे अच्छे प्रोसेसर बनाए हैं, जी सीरीज गेमिंग का ही है, सही रहते हैं, मतलब बजट मिड रेंज। ये बहुत बड़ा पॉइंट है, 6000mAh की बैटरी 18W के फास्ट चार्जिंग के साथ, ठीक है। 6000mAh बैटरी मतलब आराम से 1.5 दिन तो आप मान के चलो। बाकी भी छोटे छोटे स्पेसिफिकेशन लिखे हैं जो नहीं बात कर लेते हैं, फोन खोल के यही बात करेंगे। व्हाइट कलर है, 464 बेस वेरिएंट, 50+8+2+2 का पता नहीं, 50+8 तो आपका काम कर रहा है। डुअल स्टीरियो स्पीकर्स हैं, रिवर्स चार्जिंग भी सपोर्ट करता है 9W तक, 180Hz की टच सैम्पलिंग रेट है, टच सैम्पलिंग रेट और रिफ्रेश रेट में डिफरेंस है, तो रिफ्रेश रेट 90Hz की है, ये मेन आपको पता चलेगा। टच सैम्पलिंग रेट से भी अंतर पड़ता है, ठीक है, आपके टच इनपुट्स रिकॉर्ड करने में, तो इससे भी फर्क पड़ता है, लेकिन ये आप डेली बेसिस पे नोटिस कर पाओगे। स्प्लैश प्रूफ नैनो कोटिंग है, और साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर है, तो न्यू एज टाइप लगेगा, बस आप फोन उठाओ और साइड में टच कर लो। और IR रिमोट कंट्रोल जो इनका इतने सालों से चला आ रहा है वो तो चला ही आ रहा है, अब मेड इन इंडिया मार्ग अगर किसी को उससे मतलब है तो। रेडमी के बहुत सारे मैक्सिमम फोन्स इंडिया में बन रहे हैं, ठीक है, और तो कुछ खास मेंशन नहीं है। बॉक्स पे प्राइस 14999 मेंशन है। नंबर वन क्वालिटी स्मार्टफोन ब्रांड, मोस्ट ट्रस्टेड, और जो भी, तो ओपन करते हैं। व्हाइट कलर चुन लिया क्योंकि उसकी डिलीवरी सबसे पहले थी। ये बॉक्स मिल गया, पावर बाय रेडमी, इसके अंदर केस वगैरह होगा, देख ही लो भाई एक के बाद एक। सिम इजेक्टर पिन मत निकाला करो, खो जाता है। क्विक स्टार्ट गाइड अगर किसी को ये चाहिए, और बैक केस व्हाइट कलर का, थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट है क्योंकि व्हाइट पे व्हाइट और बहुत जल्दी येलो होता है, कंपनी कुछ भी बोलती रहे, मैं तो नहीं मानता, ठीक है। फोन बहुत प्यारा लग रहा है पहली नजर में, तो इसको पहली नजर में कैसा जादू कर दिया। चार्जर देखते हैं, रेटिंग कैलकुलेट करना पड़ेगा तो चलो कर लो। 22.5W का रेटिंग है, अगर आप ये लास्ट वाला वेरिएंट देखो तो 10V 2.25 एम्प, तो पावर कैलकुलेट करने के लिए मल्टीप्लाई करते हैं थोड़ी फिजिक्स, 22.5W, और टाइप सी चार्जिंग होगी, लेकिन आपको तसल्ली के लिए देख लो टाइप सी। अब सब साइड में फोन देख लो, न्यू फोन ASMR हो गया थोड़ा, ठीक है, ये फोन है और ठीक है, हैंडी है, प्रोटेक्टिव लगा हुआ है, अगर पता नहीं है सब कैमरे में अच्छे से आता क्यों नहीं है, देख लो ठीक है। अब जल्दी से ओवरव्यू ये चेक कर लें क्या, पहले बाकी देख लो। हेडफोन जैक, ये डुअल स्पीकर, आयर ब्लास्टर,
साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर और पावर बटन, ठीक है, टेक्सचर्ड नहीं है, सॉरी, वॉल्यूम रॉकर्स, कैमराज, ये 50 मेगापिक्सल का मेन और ये 8+2+2, ये सेंसर देख के ही बड़ा लग रहा है तो ये 8 का होगा, यहाँ फ्लैश है। और मॉड्यूल देखो पिक्स में काफ़ी बुरा लगता है क्योंकि बहुत बड़ा दिखाते हैं, लेकिन उतना भी बड़ा नहीं है, अगर आपको आइडिया लगे तो ये 50% से ज़्यादा ही जगह है। हाँ लंबा है थोड़ा क्योंकि यहाँ AI कैम वगैरह लिख दिए हैं, अगर ये नहीं होता तो ये फ़ोन और प्यारा लग सकता था, ठीक है। सिम इंजेक्टर पिन जल्दी निकालो, आपको दिखा ही दूँ कि वैसे तो ट्रिपल स्लॉट है लेकिन आपको यकीन भी तो होना चाहिए कि है ना, तो यकीन की बात हो जाती है। स्टिकर हटाओ, वाइट फोन पे स्टिकर का क्या काम। अब मस्त लग रहा है ना। थोड़ा सा टाइम वेस्ट हो जाता है, ये सब निकाल के रखना चाहिए, ठीक है। ट्रिपल स्लॉट, खुश आप, खुश मैं खुश, ऑन भी कर लेता हूँ इसको, अब तक बैटरी तो होगी, बैटरी है, पावर ऑन हो गया। एक छोटी सी चीज और कि ये ग्रिल बहुत बड़ा लग रहा है इसका, ईयर पीस वाला, ठीक है। यहाँ सेकंड स्पीकर है डुअल स्पीकर का, अगर आपको सेटअप देखना है तो। टाइप सी पोर्ट, माइक होल, MIUI 12.5 पे रन कर रहा है, इंग्लिश इंडिया वगैरह वगैरह सब सेटअप होता रहेगा। चलो तो बात करते हैं कि क्या है। तो देखो जो नोट 11T 5G है उसमें 5G है, सही बात है, अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए ले रहे हो तो आपको 5G देखना ही पड़ेगा क्योंकि सारे बोल रहे हैं कि लेके आओ लेके आओ लेके आओ, ठीक है। ये देख लो टर्म्स एंड कंडीशंस में एक इम्पॉर्टेंट चीज, सारा ये यूज़ करना कंपलसरी नहीं होता है, आप इसको क्लिक भी कर सकते हो और हटा भी सकते हो, ठीक है। प्राइवेसी पॉलिसी बस एक्सेप्ट करना कंपलसरी है, फेस मोजी आप यूज नहीं भी एक्सेप्ट कर सकते हो फिर भी ये ब्लू हो जाता है, देख रहे हो। ये मैंने रियलमी वाली वीडियो में बताया था कि ये सब छोटी छोटी चीज़ें आप ज़रूर से चेक कर लिया करो। सिम कार्ड नहीं मिलेगा, इसको स्किप कर दो। तो मैं वही बता रहा था कि देखो अगर आपको बस हल्का गेमिंग करने के लिए या अगर आपका बजट उतना रिस्ट्रिक्टिव है गेमिंग करने के लिए फ़ोन चाहिए, एक साल में आप चेंज कर दोगे, 90 Hz रिफ्रेश रेट चाहिए, 6000 mAh की बैटरी चाहिए या किसी और को देना है, मतलब घर पे किसी को देना है, तो भी आप ये सब ले सकते हो, ठीक है। इस फोन में कुछ बुरा नहीं लग रहा और ये कलर देख लो पास से, ये सब में बहुत टाइम लग जाएगा और बाद में इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन शॉर्ट में यही है कि अगर आपको सस्ते में फ़ोन चाहिए, अगर आपके पास ICICI कार्ड के डिस्काउंट्स लग रहे हैं, अगर आपको नोट 11T 5G के लिए इतना वेट नहीं करना है, लाइन में नहीं लगना है, किसी को एक एक महीने लग जाते हैं फ़ोन लेने में, तो आप ये सब ले सकते हो पुराने वाले फ़ोन्स, कोई इसमें कोई बुरी चीज़ नहीं है। और ये फ़ोन भी बिक ही रहे हैं ना, इतने सारे हज़ारों रेटिंग्स हैं, तो चलो फिर इसको इतना ही रखते हैं, बाय।